देखो मेरे बेबी कैसी है, मेरे बेबी देखो क्यूट है कि नहीं। बहुत क्यूट है, ये नींद आ रही है उसको। अभी इसको गर्म पानी से पोछे हैं, फिर इसको पाउडर से मालिश किए हैं, काजल लगाए हैं। जी कैसे हैं आप सब? तो गाइस सुबह का टाइम हो गया है और मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा मार्केट, कि मुझे काम है और सब लोग अपने काम में बिजी हैं, तो हम कहें चलते हैं थोड़ा सा सब्जी वगैरह लेके आते हैं, क्योंकि आज का मैं थोड़ा इवनिंग शिफ्ट कर रहा हूँ, तो उसमें क्या है मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। ऊपर की लाइट दी थी तो मैंने बंद कर दिया। दोस्तों यही चीज़ है कि मैं अपना टाइम से सब कुछ ला देता हूँ ताकि मम्मी को नीचे ना उतरना पड़े। तो चलो जाते हैं मार्केट, सब्जी वगैरह लेके आते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धूप बहुत तेज़ हो गई है अभी, क्या है मेरा रात में 3-4 बजे आना हो जाता है, तो इसीलिए सही से नींद भी नहीं पूरी हो पाती है, सुबह उठना भी पड़ता जल्दी से। मैं आ गया हूँ सब्जी की दुकान से सब्जी लेने इधर, तो साग रखेंगे, प्याज लेना है, बाकी सब सब्जी वगैरह तो है ही है अभी, अभी है ही नहीं दुकान पे, माल है रखवा रहे हैं। 1 किलो प्याज को देना यार। तो गाइस आ गए हैं मार्केट से सब्जी वगैरह लेके, इतना बिजी आजकल चल रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि आराम करें कि ब्लॉग बनाएं कि जॉब करें। तो आजकल बहुत बिजी हो गया हूँ जब से मतलब ड्यूटी स्टार्ट कर दिया हूँ, क्योंकि इतने दिन छुट्टी था तो आप लोगों से डेली 2-2 ब्लॉग शेयर करते थे, लेकिन अब दोस्तों एक ही ब्लॉग बनाने में भारी हो जाता है, क्योंकि आजकल थोड़ा ड्यूटी का टाइमिंग डिफरेंट हो गया है तो उसमें टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है। तो क्या करें भाई, मजबूरी है, नौकरी तो करनी है और आप लोग को भी टाइम देना है, नौकरी को भी टाइम देना है, तो उसके लिए अगर कभी वीडियो में लेट हो जाए तो उसके लिए आपसे क्षमा है दोस्तों। फिर भी हम कितना ये सोचो डेली ब्लॉग बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता होगा, ड्यूटी देखो, घर देखो, अब तो छोटी बेबी भी है, मम्मी उसकी भी मालिश कर रही है, उसका भी बहुत केयर करना होता है, मम्मी का भी बहुत केयर करना होता है, अब कोमल भी है, सबका मतलब ध्यान रखना जरूरी है ऐसी सिचुएशन में। तो सबसे पहले जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उधर बेबी का मालिश हो रहे हैं, कोमल अपना गई है, नानी माने गई हैं, तो वो भी आ जाती हैं, फिर आप लोगों से बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का ब्लॉग होने वाला है, आपसे शेयर करेंगे, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है ना बहुत ही बेहतरीन है। तो वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना दोस्तों, और आप लोग से मिलते हैं कुछ देर में, थोड़ा हम भी चाय वगैरह पी लेते हैं, कि सुबह सुबह उठना है, कूड़ा फेंकना है, दूध लाना है, फिर थोड़ा सा गया सब्जी लेके आया, तो बहुत काम होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल, मिलते हैं लोग से कुछ देर में। तो गाइस देखिए इधर इसका, हमारी प्रिंसेस का मालिश हो गया है, मम्मी ने पाउडर वाउडर लगा दिया, तेल भी लग दिया और नींद में सो रही है ना मम्मी, आज ये भी ब्लैक पहनी है, इसकी दादी भी ब्लैक पहनी है। अरे 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 क्या बात है, सब लोग ब्लैक ब्लैक, तुम भी ब्लैक, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद आज सब लोग ब्लैक ब्लैक क्यों पहने हैं आज, ब्लैक अच्छा लगता है, क्रीम दे देना थोड़ा सा। इसको गाल पे मच्छर काटा है क्या लग रहा है, नहीं काट लिए मच्छर, इतना ऑल आउट जलाते फिर भी मच्छर कहाँ से आ गया, यहाँ काटेगा, यहाँ इस रूम में काटा है क्या, इस रूम का ही काटा है, ऐसे लाइट से इधर जा बेटा, क्रीम लगा लो थोड़ा सा, एक ये विंडो खुला रहता है ना, ये देखो इसकी दाढ़ी क्रीम लगा रही है, देखो मेरे बेबी कैसी है, मेरे बेबी देखो क्यूट है कि नहीं, बहुत क्यूट है, ये नींद आ रही है उसको, अभी इसको गर्म पानी से पोछे हैं, फिर इसको पाउडर से मालिश किए हैं, काजल लगाए हैं, अब बेबी
मेरी सोल जा रही दूध मांग रही है, दूध मांग रही है बबुआ, दूध मांग रही है ना भैया। सो गई मम्मी ने मालिश कर दिया, पानी से वॉश कर दिया अच्छे से, गर्म पानी से मम्मी। उठ जाओ सोनपरी, एंजल सो गई मस्त एकदम। तो गाइस देखिए इधर आ गए हैं, उसका थोड़ा पेट उठ भर देंगे। ये पता है अपने गाल पे भी ना अपने हाथ से भी नाखून मार दिए, तो कल इन्होंने मम्मी ने बोला नाखून काट दो, क्योंकि मम्मी को दिखता नहीं है, थोड़ा चश्मा लगाती हैं, और शाम के टाइम तो इन्होंने अपने हाथ से काटा, सही से काटा था ना। अरे इसका पता है नाखून इतना सॉफ्ट है ना, काट रहे थे पट से कट जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था। हाँ तो बच्चों का हर चीज सॉफ्ट होता है, इसकी इतना सेंसिटिव होता है पता नहीं चलता है। देखो कैसे अपनी मम्मी की गोद में सो रही है, चलो उसे दूध पिला दो। ये कई गाल में इसको मच्छर मच्छर भी काटा, कुछ नाक हाथ से नाखून भी मार दिए, एक ही गाल पे सही। तो चलो दूध पिला दो उसे, और तुम भी कुछ खा पी लो, फिर उसके बाद गाइस आज का ब्लॉग में ये दिखाएंगे ना कि जो इनके मायके से सामान आए थे मेरे लिए इनके लिए, तो अभी हमने उसे खोला नहीं था, बस ऐसे दिखा दिया था, तो आज उसी को दिखाएंगे, देखते हैं कैसा है। अभी तो मैंने भी सच में नहीं देखा है कि क्या है, चलो बने रहिए, मिलते हैं आप लोगों से कुछ देर में, तब तक हमारी बेबी भी सो जाएगी, उसका पेट भी बढ़ जाएगा, उसकी मम्मी भी खा पी लेंगी। मम्मी तुम कुछ खाएगी नहीं? अरे वही खा लो मम्मी, अब दवा ववा खा लो अपना टाइम से, दवा है कि नहीं अभी? दवा खा चुके हैं, दवा खत्म नहीं है ना, नहीं ला दे अभी, एक महीने का दवा लाए थे वही अभी चल रहा होगा। चलो ठीक है, जब खत्म होता है ला देंगे। कैप दे रहे हैं, चलो तुम खा लो मम्मी, तब तो संभाल लेंगी, इसके बाद संभालना नहीं है, सुधार रहे हैं इसको, बस कैप इसका। हाँ दे रहे हैं कैप इसका। तो गाइस हम मम्मी जा रहे हैं पंडित जी के यहाँ, मंदिर में पंडित जी बैठते हैं, वहाँ पे पूछते हैं अपने बच्चे का जन्म कुंडली, देखते हैं क्या बताते हैं, किस नाम से नाम रखा जाएगा, कौन सी राशि है, कौन सी नक्षत्र में पैदा हुई है, सब कुछ पंडित जी बताएंगे, तो इस हिसाब से बेबी का नामकरण होगा। नाम तो पहले रख लेंगे, पहले बाद में रखा जाता है, पहले पूछ के करना बताएं। तो चलो चलते हैं, मम्मी आ गई हैं, रेडी हो गई, मतलब अब रहो हम लोग आते हैं जल्दी से। हाँ जा रहे पंडित जी के आएंगे, बिटिया रानी सो रही हैं, चलो मम्मी। चलो चलते हैं दोस्तों, बाहर से बंद मत करो। हाँ बंद कर लो ना, बाहर से क्यों बंद करेंगे, चलते हैं। A few moments later. Hey guys, तो आप लोग ने देखा कि मैं गया था पंडित जी के पास मम्मी के साथ, तो वहाँ पे क्या है पंडित जी बहुत ही ज़्यादा बिजी थे, किसी का पूजा करवा रहे थे काफ़ी विधि विधिवत, कोई लड़की थी तो बोले शाम को 5 बजे आना। शाम को 5 बजे क्या दोस्तों, मैं जैसे ही घर पे आया ना वैसे ही खाना खाया, नहाया, और मुझे नींद लगी काफ़ी तगड़ी वाली, क्योंकि रात में आजकल ड्यूटी करते हैं तो नींद नहीं पूरी हो पाती है, तो नहाने के बाद बहुत ही मस्त नींद आ गई दोस्तों, इतना मस्त नींद आ गया कि शाम को 5 बजे नींद खुला मेरा, और मुझे पता है ड्यूटी भी जाना था, तो मैं अपने ड्यूटी के लिए भी लेट हो गया दोस्तों, ना आप लोग को कपड़े दिखा पाया, ना पंडित जी से पूछ पाया कि क्या नाम रखना है, पता नहीं आजकल क्यों उल्टा सीधा हो जा रहा है मेरे साथ, सोच रहे हैं कुछ और हो जा रहा है। देखो आ गया मेट्रो पे ड्यूटी जाने के लिए, नींद जब खुली ना हिम्मत ही नहीं कर रहा था कि ड्यूटी जाऊं, क्योंकि इतना रात में थक जाते हैं कि नींद तो बहुत ही मस्त आता है, फिर नहाने के बाद तो नींद और अच्छा आता है। तो चलते हैं ड्यूटी दोस्तों, उसके लिए क्षमा चाहते हैं कि आप लोग को हम दिखा नहीं पाए कि हमको क्या मिला था, और पंडित जी के पास गए पंडित जी थे ही नहीं, तो मम्मी जाएंगे अपना शाम को अकेले पूछ लेंगे, हमको मम्मी आप ही आ जाना, तो ऐसे मम्मी चली गई थी किट्टू के घर, वहाँ से रास्ते में पड़ता है पंडित जी के घर ना, तो बोले कि मैं चली जा रहा हूँ, ठीक है चले जाओ, अब शाम को आप अकेले आना पूछ लेना, और मैं जा ही नहीं पाया। तो
गाइस थोड़ा समय के अभाव में वीडियो नहीं बन पा रहा है और सही से मतलब जो चाहते हैं वो आप लोग को नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उसके लिए आप लोग क्षमा चाहते हैं। और मैं नोएडा पहुंच गया हूँ, अपने ड्यूटी मतलब पहुंचने वाला हूँ। मैंने पहुँचते मेट्रो से रिक्शा ले लिया है और ब्लॉग कहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जब नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा तो उसमें जो चीज़ें हमने आपसे बताई हैं उसको शेयर करें। अब मैं तो आ गया हूँ ड्यूटी, और मम्मी जाएंगी शाम को पंडित जी के पास पूछ के आएंगी। पता नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, जब जब मैं जाता हूँ तब तक सुबह ही गया, सुबह ही बोले पंडित जी शाम को 5 बजे आना। पता है कभी कभी किस्मत भी अच्छा रहती है। तो चलो ब्लॉग के ऊपर समाप्त करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दोस्तों बस मैं पहुँच गया हूँ, ड्यूटी भी लेट हो गया हूँ क्योंकि सोने के चक्कर में इतना थक जाता है शरीर ना दोस्तों, तो फिर लेट उठा फिर ब्लॉग बनाने का मन भी नहीं किया। चलो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज जो लोग समझते हैं अपने हमारी बात को समझिएगा, ऐसा मत बोलिए कि भैया आपने झूठ बोला। तो जो बात है सच मैंने आपसे बता दिया। अब मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।